हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम इन माय क्लास एंड इन द फैमिली ऑफ नवभारती स्कूल। आवर रनिंग चैप्टर इज एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, एक नए साझेदार का प्रवेश। ख्याति के मूल्यांकन की विधियां अपन पढ़ रहे थे। जब भी नया साझेदार आता है या रिटायर होता है या डेथ होती है या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है तो ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। अगला जो मेथड है ख्याति का मूल्यांकन करने का, मेथड नंबर 6, परचेजेज कंसीडरेशन मेथड। क्रय प्रतिफल के आधार पर ख्याति कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करने से पहले क्रय प्रतिफल क्या होता है, परचेजेस कंसीडरेशन किसे कहते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ए और बी दो पार्टनर थे 3:2 के अंदर। ये एक पार्टनरशिप फर्म चला रहे थे, पार्टनरशिप का इनका बिजनेस था। ये अपने रनिंग बिजनेस को बेचना चाहते हैं, सेल आउट करना चाहते हैं। तो जो भी आदमी या जो भी संस्था इनकी फर्म को खरीदेगी तो खरीदने के बदले में इनको कोई कैश पेमेंट करेगी, और कैश पेमेंट नहीं करेगी तो चेक देगी। चेक भी नहीं दिया तो जितने रुपए के अंदर सौदा तय होगा, मान लो इनका जो बिजनेस है ये कह रहे हैं कि हमें हमारी जो फर्म है वो एसेट्स लायबिलिटीज माल वाल सब मिला के 50 लाख रुपए की फर्म है, तो बदले के अंदर जो 50 लाख रुपए खरीदने वाला खरीददार जो पैसा देगा उसको क्रय प्रतिफल बोलते हैं, परचेजेस कंसीडरेशन कहते हैं। यानी किसी भी संपत्ति को खरीदने के बदले में या बिजनेस को खरीदने के बदले में जो नगद पेमेंट दिया जाता है या जो एसेट्स वगैरह दी जाती है उसको क्रय प्रतिफल कहते हैं। तो क्रय प्रतिफल के आधार के ऊपर ख्याति का मूल्य ज्ञात करने के लिए क्रय प्रतिफल के आधार पर ख्याति इक्वल टू परचेजेस कंसीडरेशन माइनस नेट एसेट्स। क्रय प्रतिफल के अंदर से शुद्ध संपत्तियां इसके अंदर से लेस कर दी जाएगी। शुद्ध संपत्तियों का मतलब क्या होता है, शुद्ध संपत्तियों के अंदर जितने भी एसेट्स हैं उनका टोटल लेंगे। एसेट्स कौन सी आएगी, करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स। मैंने यहां पर लिखा है गुडविल के अलावा, गुडविल को छोड़कर एक्सेप्ट द गुडविल, जो भी एसेट्स है उसका टोटल लेंगे। गुडविल क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि गुडविल का तो अपन वैल्यूएशन कर रहे हैं इसलिए गुडविल को नहीं लेंगे। और इसके अंदर से जो भी लायबिलिटीज है वो लायबिलिटीज इसके अंदर से लेस हो जाएगी, तो हमारे पास में शुद्ध संपत्तियां आ जाएगी। तो इस फॉर्मूले से अपन एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन क्या है, किसी बिजनेस के अंदर एसेट्स कितने रुपए की है, 2 लाख रुपए की संपत्तियां हैं, लायबिलिटीज कर्जा दायित्व तो कितने रुपए का है, 50,000 रुपए का। ये इस बिजनेस को बेचना चाहते हैं, सेल आउट करना चाहते हैं रनिंग बिजनेस को, और जो क्रय प्रतिफल यानी कि जो परचेजेस कंसिडरेशन मैंने अभी आपको बताया वो 1,70,000 रुपए के ऊपर तय हुआ। परचेजेस कंसिडरेशन वॉज डिसाइडेड एट ₹1,70,000। तो ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे, इस बिजनेस के अंदर एसेट्स कितने रुपए की है, जो भी आदमी खरीदेगा उसके पास में 2 लाख रुपए की एसेट्स आएगी, और लायबिलिटीज यानी कि जो आदमी जो फर्म बेच रही है उसका कर्जा कितना है 50,000 रुपए का। तो इसके अंदर से अपन लायबिलिटीज को लेस करते हैं
ये 50,000 रुपए की लायबिलिटी ए फोर एसेट्स एंड एल फोर लायबिलिटीज, तो 1,50,000 रुपए बनता है। अपने आप को एक क्रेता समझ के परचेजर समझ के कॉमन सेंस अप्लाई करो कि 2,00,000 रुपए की तो एसेट्स खरीद रहे हैं और हमको कर्जा भी 50,000 रुपए का चुकाना पड़ेगा, तो वास्तव में हमको पेमेंट कितना करना चाहिए? 1,50,000 रुपए का पेमेंट करना चाहिए। मान लो हम इस बिजनेस को खरीद रहे हैं तो हम कहेंगे कि भाई 2,00,000 रुपए की एसेट से 50,000 रुपए का कर्जा है, 1,50,000 रुपए बनता है, और जो सौदा तय हो रहा है, सौदा इसलिए बोल रहा हूं ताकि समझ में आ जाए क्रय प्रतिफल परचेजेस कंसीडरेशन कितने के ऊपर डिसाइड हुआ, 1,70,000 रुपए के ऊपर डिसाइड हुआ। यानी कि जो बेचने वाली फर्म है वो कितने रुपए ज्यादा मांग रहा है, 1,70,000 रुपए में सौदा तय हुआ है, और वास्तव में इसका पैसा कितना बनता है, 1,50,000 रुपए बन रहा है। तो 20,000 रुपए जो ज्यादा लिए जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो किस चीज के लिए जा रहे हैं? वो गुडविल के लिए जा रहे हैं, गुडविल के लिए लिए जा रहे हैं। तो क्रय प्रतिफल के आधार के ऊपर परचेजेस जब अपन गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो परचेजेस कंसिडरेशन कितने रुपए के ऊपर तय हुआ, 1,70,000 रुपए माइनस शुद्ध संपत्तियां। शुद्ध संपत्तियां नेट एसेट्स, कैसे? मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, एसेट्स के अंदर से लायबिलिटीज को लेस कर दिया तो ये 1,50,000 रुपए की ये नेट एसेट्स हो गई। इसके अंदर से अपन लेस कर देंगे तो ये 20,000 रुपए ये आंसर आ जाएगा। ये जो 20,000 रुपए का आंसर आया है यही क्रय प्रतिफल के आधार के ऊपर ख्याति का मूल्यांकन होगा। जो भी नया साझेदार आएगा इसके अंदर से अपने हिस्से की जो गुडविल है वो या तो नगद लाएगा और नहीं वो उधार रह जाएगा। इसी वीडियो के अंदर अपन लास्ट मेथड वार्षिकी एनुइटी मेथड के बारे में डिस्कस करें। तो स्टूडेंट्स, लास्ट मेथड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज एनुइटी मेथड। गुडविल बाय एनुइटी मेथड का सूत्र क्या है, फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट इनटू पीवी गिवन इन द क्वेश्चन। ये आपको क्वेश्चन के अंदर दिया होगा और ये जो फिगर होगा पॉइंट्स के अंदर होगा। किसके अंदर होगा? पॉइंट्स के अंदर होगा। सुपर प्रॉफिट आप जानते ही हो, अधिलाभ को यदि पीवी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फर्म की गुडविल आ जाएगी। ये पीवी का मतलब क्या होता है? पीवी की जो फुल फॉर्म है इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वन रुपी एनुइटी, जिसको हिंदी के अंदर बोलते हैं एक रुपए की वार्षिकी का वर्तमान मूल्य। ये इस मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। यानी कि गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपी एनुइटी। इसको मैं और समझाने की कोशिश करता हूं एक डायग्राम की हेल्प से। स्टूडेंट्स, 1 रुपए की वार्षिकी का वर्तमान मूल्य इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैंने ये एक डायग्राम लिया है, इस लाइन के ऊपर ईयर है, ईयर 2016 2017, 2018 2019 और 2020। इस लाइन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1%, 2%, 3%, 4%, 5%। अपन ये मान के चलते हैं कि हमने 1 रुपया
2016 के अंदर हमने इन्वेस्ट किया, बैंक में इन्वेस्ट किया या कहीं पर भी अपन ने पोस्ट ऑफिस के अंदर इन्वेस्ट किया और किस रेट से किया, हमने किया 4%, 4% पर एनम की रेट से हमने 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया। 2016 के बाद में 17 तक 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष के अंदर ये पैसा बढ़ेगा। 4 वर्ष के अंदर इसको इंटरेस्ट भी मिलेगा और 4 वर्ष बाद के अंदर माना कि ये जो हो गया 1.0897 रुपीज, ये 1 रुपया बढ़कर कितना हो गया 1.0897। स्टूडेंट 1 रुपए के अंदर 100 पैसे होते हैं, 1.08 यानी कि 1 रुपए 8 पैसे। अब यहां पर 8 के बाद में ये जो फिगर आ रहा है 9 आ रहा है, तो ये फिगर यदि 5 या 5 से ज्यादा होता है तो ये वाला जो डिजिट है जो 8 है ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यानी कि 1 रुपए की जो वैल्यू है वो कितने रुपए के करीब हो जाएगी, 1 रुपए 9 पैसे के करीब हो जाएगी। प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू यानी कि 2020 अभी रनिंग के अंदर चल रहा है तो ये 1 रुपया बढ़कर कितना हो जाएगा 1 रुपए 9 पैसे हो जाएगा। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपन इसका लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, एवरेज प्रॉफिट औसत लाभ 20,000 दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड यानी विनियोजित पूंजी 1,50,000 रुपए, एनआरआर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सामान्य प्रत्यय की दर 10% और पीवी 2.487, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपी, एनविटी 2.487, 1 रुपए की वार्षिकी का वर्तमान मूल्य हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, अपन को ख्याति का मूल्य कैलकुलेट करना है। आंसर कितना आना चाहिए 12,435। देखेंगे फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू पीवी गिवन इन द क्वेश्चन, गिवन इन द क्वेश्चन इन पॉइंट्स एंड सुपर प्रॉफिट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट अधिलाभ बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इनटू पीवी, 1 रुपए की वार्षिकी का वर्तमान मूल्य से गुणा कर देंगे। हमारे पास में जो एवरेज प्रॉफिट है वो कितने रुपए का दिया हुआ है, 20,000 रुपए का हमको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। अब हमको क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास में नहीं है तो इसका फॉर्मूला रखेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। और जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपी एनविटी दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 2.487 मल्टीप्लाइड बाई 2.487। इसको आगे अपन सॉल्व करेंगे तो 20,000 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है 1,50,000 रुपए, ये 1,50,000 रुपए हमने कैपिटल एम्प्लॉयड रख दी। एनआरआर कितनी है 10%, एनआरआर 10% अपॉन 100, इसको हम ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 2.487 से। इसको आगे सॉल्व करेंगे 10 10 जा 10 10 100, 0 से ये 0 कट गया, 20,000 में से 15,000 रुपए लेस करेंगे तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 2.487। 5,000 को पीवी से मल्टीप्लाई करेंगे, 5,000 में 0 कितनी है 3, सबसे पहले ये 3 0 में रख दूंगा, 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 35 का 5, 3 5 8 40 और 3 43 का 3, 4 5 4 20 और 4 24 का 4, 2 5 2 10 और 2 12। पॉइंट कितने डिजिट्स के बाद में है,
1, 2, 3 थ्री डिजिट्स के बाद में पॉइंट लगा हुआ है, तो तीन संख्याओं के बाद में इधर से 1, 2 और ये 3, यानी कि 12,435 रुपए हमारी छाती का मूल्य होगा और यही आंसर होगा। और जो भी नया पार्टनर आएगा इस वैल्यूएशन के अंदर से अपना हिस्सा छाती का या तो नगद लाएगा या फिर वो उधार रह जाएगी। इस प्रकार से पिछले कई वीडियोस के अंदर अपन ने गुडविल के वैल्यूएशन की सारी विधियां पढ़ी। लास्ट के अंदर मैं केवल नाम रिपीट कर रहा हूं, औसत लाभ विधि, भारित औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि, पूंजीकरण विधि, छिपी हुई ख्याति हिडन गुडविल और क्रय प्रतिफल के आधार के ऊपर ख्याति का मूल्यांकन, और ये लास्ट एनविटी मेथड वार्षिकी विधि से ख्याति का मूल्यांकन। स्टूडेंट, आशा करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूं। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बड़े होते जाएंगे, तो आप लोग सब इंटरेस्ट लेकर इसको देखते रहें। इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूं और आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इट्स ओवर।